Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I'm Kavita Gupta, your science teacher, and today I'm going to start the chapter 10, that is respiration in organisms. Respiration. So what do you mean by the respiration? Respiration kya hota hai? Respiration means breakdown of food that we take into small pieces with the help of oxygen into carbon dioxide, energy and water. Okay, means jo bhi hum food lete hain, वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है और उसमें से क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर रिलीज होता है और ये सब किसकी हेल्प से होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. तो दिस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन. ओके, देन व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग इज अ सिंपल प्रोसेस. ब्रीदिंग मीन्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, मीन्स ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग. ओके, सो नाउ यू आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. ओके, रेस्पिरेशन इज अ होल प्रोसेस एंड ब्रीदिंग इज स्मॉल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन. मीन्स रेस्पिरेशन जो प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है ब्रीदिंग. मीन्स सबसे पहले हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, है ना. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन. ओके, सो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज द प्रोसेस, पूरा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ओके, ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स, ओके, एंड व्हाट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दैट टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस. ओके, सो दिस चैप्टर इज रेस्पिरेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. One day, Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. Okay, एक दिन जो बूजो है वो eager means बहुत means उत्सुक हो, जैसे होते हैं ना, किसका वेट कर रहा था, अपने grandparents का जो एक साल के बाद टाउन से वापस आ रहे थे. Okay, he was in a real hurry. Hurry means बहुत जल्दी में था वो, as he wanted to receive them at the bus stop. ओके, वो उन्हें बस स्टॉप पर रिसीव करने जाना चाहता था. ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स. बहुत तेजी से उसने क्या किया, रन किया, है ना, भागकर, और वो बस स्टॉप पर कुछ ही सेकंड्स में, मिनट्स में पहुंच गया. ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली. रैपिडली मीन्स बहुत फास्ट, बहुत तेजी से वो क्या कर रहा था, ब्रीदिंग मीन्स सांस ले रहा था, है ना. हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट. ग्रैंडमदर ने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो इतनी तेज तेज ब्रीदिंग क्यों कर रहा है. बूजो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे. बूजो ने क्या बताया कि वो बहुत तेजी से भागते हुए आया है. बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड. बट जो क्वेश्चन था उसके माइंड में सेट हो गया. ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीद फास्टर. ठीक है, उसे वंडर हुआ कि क्यों भागने से हमारी जो ब्रीदिंग है वो फास्ट हो जाती है. The answer to Pooju's question lies in understanding why we breathe. Okay, means उसका Pooju का जो question है उसका answer हमें किससे समझ में आएगा कि हम breathe क्यों करते हैं, breathing हम क्यों करते हैं, तो उसी के अंदर हमें इस question का answer भी आ जाएगा कि running करने से breathing fast क्यों हो जाती है. Okay, the answer to Pooju's question lies in understanding why we breathe. Breathing is a part of respiration. Okay, as I told you. Breathing is a part of respiration. Okay, this is not the whole process. Whole process नहीं है, ये केवल respiration का एक part है. Let us learn about respiration. Respiration के बारे में हम पढ़ते हैं कि होता क्या है. Okay, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, Why do we respire? हमें respiration की जरूरत क्यों पड़ती है. Okay, in chapter 2, you learned that all organisms are made of small microscopic units called cell. ओके, हम जानते ही हैं जो हमारी बॉडी की सबसे फंडामेंटल या सबसे स्मॉल यूनिट जो होती है वो क्या होती है, सेल्स होती है. ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं. कुछ यूनिसेलुलर होते हैं जो सिंगल सेल से बनते हैं और जो हम जैसे होते हैं, मोस्टली एनिमल्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं. ओके, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. जितनी भी जो cells होती हैं वो कुछ specific functions perform करती हैं
like nutrition, transport, excretion, reproduction, and respiration also. To perform these functions, the cell needs energy. Okay, means जितने भी function cell के अंदर होते हैं उन सबको करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? Energy की जरूरत पड़ती है. Of course, जो भी काम हम करते हैं तो उसके लिए हमें energy की जरूरत पड़ती है. Even when we are eating, sleeping or reading, we require energy. Even when we are eating, means अगर हम कुछ खा रहे हैं, सो रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तब भी हमें energy की जरूरत पड़ती है. ये नहीं है जब भी हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रन कर रहे हैं, खेल रहे हैं तभी पड़ती है. हम एक जगह पर स्टिल बैठे हैं, इवन हम स्लीपिंग ही कर रहे हैं, केवल सो रहे हैं, बट उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है. बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? कैन यू से व्हाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? ओके, आपने देखा होगा जो पेरेंट्स है वो इंसिस्ट करते हैं कि हमें रेगुलरली क्या करना चाहिए, अपना जो फूड है वो रेगुलरली टाइमली लेना चाहिए. द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी. उस फूड के अंदर क्या होता है? एनर्जी होती है विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. जो रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होती है? रिलीज होती है. ओके, जो फूड हम लेते हैं उसमें होती है एनर्जी. हमें पता है बैलेंस डाइट होती है, लेते हैं ना, हम बोलते हैं कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या मिलती है हमें? एनर्जी मिलती है उससे. और उसी एनर्जी को रिलीज करता है कौन सा प्रोसेस? रेस्पिरेशन. और ये जो सारा प्रोसेस है कहाँ होता है? हमारी बॉडी के अंदर होता है. ओके, तो ये कहलाता है रेस्पिरेशन. देयरफोर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. ओके, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिस्पायर करते हैं एनर्जी को लेने के लिए. कहाँ से? फूड से. पता है हमें सब ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इवन वो अगर सिंगल सेलुलर है लाइक अमीबा, तो उसे भी सर्वाइव करने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है. और फूड की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? टू गेट एनर्जी, एनर्जी लेने के लिए. ओके, क्योंकि उसी फूड से हमें एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है. ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर. ठीक है, ब्रीदिंग के टाइम हम क्या करते हैं? एयर में ब्रीथ करते हैं. यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन. और हमें पता है उस एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है. वी ब्रीद आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. और जो हम ब्रीद आउट करते हैं मीन्स बाहर निकालते हैं जो, वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है. ओके, द एयर वी ब्रीद इन इज transported to all parts of the body and ultimately to each cell. Okay, जो भी हम air breathe करते हैं उसके साथ जो oxygen हमारे अंदर जाती है वो हमारे सारे body parts से होते हुए ultimately last में वो कहाँ पहुँचती है? हर cell के अंदर पहुँचती है. In the cells, ठीक है, फिर उस cell के अंदर क्या होता है? Oxygen in the air helps in the breakdown of food. और उस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो उस हमारा अंदर जो फूड है उसको क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है. ओके, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं. सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके अंदर क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है. ओके, तो सेलुलर रेस्पिरेशन या हम बोलें डायरेक्ट रेस्पिरेशन, दीज टू आर द सेम थिंग. ओके, रेस्पिरेशन भी यही चीज होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी यही चीज होती है. सेलुलर क्यों बोलते हैं हम इसे? क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन है वो सेल्स के अंदर होता है. ओके, तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, इसे अंडरलाइन कर लेना. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ओके, नेक्स्ट देखिए, इन द सेल द फूड, फूड में मेनली क्या है हमारा? ग्लूकोज. ठीक है, फूड मीन्स है ग्लूकोज, इज ब्रोकन डाउन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन. ठीक है, यही होता है. जो ग्लूकोज होता है, जो फूड होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है. और क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी. व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक
रेस्पिरेशन। देखिए यहाँ पे टू टर्म्स आई हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, मीन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं या हमारी बॉडी के अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है जो रेस्पिरेशन होता है वो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाती है या जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उतनी नहीं पहुंच पाती है, तो हमारी जो बॉडी है कभी कभी कैसा रेस्पिरेशन भी करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करती है। एनारोबिक मीन्स इन विदाउट ऑक्सीजन, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होता है। ओके, तो यहाँ देखिए टू टाइप्स के आए हैं, इन्हें अच्छे से समझ लीजिए और अंडरलाइन कर लेना। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की हेल्प में ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन जो फूड होता है वो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी कई बार क्या होता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, और जो फूड होता है वो क्या रिलीज करता है, एनर्जी। देखिए ये है, इसे अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, ग्लूकोज है ये, विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, वाटर रिलीज हो रहा है, प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है। ये है हमारी रेस्पिरेशन की इक्वेशन, हम इसको कह सकते हैं। इससे हमें पूरा प्रोसेस पता चल रहा है कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में रिलीज हो जाता है। ओके, तो ये कौन सा रेस्पिरेशन है? एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की हेल्प से हो रहा है ये। ओके, यू शुड नो दैट दीज आर सम देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, हमें पता होना चाहिए कुछ ऑर्गेनिजम्स, यीस्ट होता है, ईस्ट जैसे हम कह सकते हैं दही के अंदर, कर्ड के अंदर जैसे होता है। ओके, और बहुत सारी यीस्ट होती है जो खमीर उठाने के लिए, जैसे फ्रेगमेंटेशन के लिए काम में आता है यीस्ट। ओके, ये भी एक तरह का ऑर्गेनिजम्स होता है। ये जो रेस्पिरेशन करता है वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, या एयर की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है, दे आर कॉल्ड एनारोब्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एनारोब्स कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो विदाउट ऑक्सीजन होता है। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये अपनी एनर्जी इनको कहाँ से मिलती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है, मीन्स बिना ऑक्सीजन के हेल्प के ये रेस्पिरेशन करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। देखिए इसमें, ओके, उसमें ऊपर क्या बन रहा था? वाटर रिलीज हो रहा था, बस एक ही इसमें डिफरेंस है। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो वाटर, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होते हैं। बट जब विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो रिलीज होती है, बट वाटर की जगह क्या रिलीज होता है? अल्कोहल रिलीज होती है। ओके, तो इससे क्या होता है? यीस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जो यीस्ट है वो कैसे हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और क्या करते हैं ये प्रोसेस, क्या मिलता है इससे? अल्कोहल मिलता है। तो दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। इसलिए इसका जो यूज है, यीस्ट का यूज मोस्टली कहाँ किया जाता है? वाइन और बियर बनाने के लिए, जहां पर फ्रेगमेंटेशन होता है उस जगह पर इसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, आर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। बहुत टाइम क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती हैं, सेल्स के अंदर हमने पढ़ा है ऑक्सीजन की हेल्प से होता है, बट जो कभी कभी हमारी जो मसल्स होती हैं वो भी रेस्पिरेशन करती हैं एनारोबिकली, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, मीन्स लेकिन वो जो प्रोसेस होता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए होता है। When there is a temporary deficiency of oxygen, जब थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है या हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, तो उस टाइम हमारी जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। ओके, ध्यान रहे ये जो है मसल्स के अंदर होता है, मसल सेल्स के अंदर होता है ओनली। ओके,
बाकी जो सेल्स हैं सारी वो कैसा करती है, एरोबिक ही करती है। केवल जो मसल सेल्स हैं वो कभी कभी थोड़े टाइम के लिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग। ठीक है, ये सारे ऐसे प्रोसेस है जब हमें बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है। एक्सरसाइज कर लेते हैं हम, बहुत अच्छे से फास्ट रनिंग करते हैं या साइकिलिंग कर लेते हैं, बहुत हैवी लिफ्ट कर लेते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम हैवी वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो उस टाइम हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। लेकिन एनर्जी के अकॉर्डिंग हमें उतनी ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल पाती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बट एनर्जी तो हमें ज़्यादा चाहिए, बट उस हिसाब से हमें ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल पाती है। देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तब हमारी जो मसल सेल्स होती हैं वो कैसा रेस्पिरेशन करती हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, जिससे हमारे जो एनर्जी की डिमांड है वो पूरी हो सके। ओके, ये देखिए, ये है ग्लूकोज इन मसल्स, मसल्स के अंदर होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्लस एन। इसमें देखिए क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। जो ग्लूकोज है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जो ग्लूकोज है वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता और क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी रिलीज होती है। मेन तो हमें क्या चाहिए, देखिए ना तो इसमें क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है ना, वाटर है कि क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो पूरी तरीके से क्या नहीं हो पा रहा है, ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसीलिए लैक्टिक एसिड बन के और एनर्जी रिलीज हो जाती है। ओके, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। कभी कभी हमने देता है ना देखा है कि मसल्स के अंदर हमारे क्रैम्प्स आ जाते हैं, बोलते हैं ना कि मसल्स में क्रैम्प्स आ गए हैं, हम एकदम मतलब अकड़ सा जाता है हमारे जो हैंड्स होते हैं या लेग्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होते हैं, द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रिस्पायर एनारोबिकली। और ये कब सब क्यों होता है, जब हमारी जो मसल सेल्स हैं वो रेस्पिरेशन करना शुरू कर देती हैं, किस टाइप का, एनारोबिकली। अभी बताया जैसे मसल सेल्स कभी कभी बहुत हैवी एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि उस टाइम जो हमारी मसल सेल्स हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है वो पार्शियली होता है, मीन्स थोड़ा ही हो पाता है वो, और उससे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। द अकुमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल्स क्रैम्प्स। अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे मसल्स क्रैम्प्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, लैक्टिक एसिड, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प्स आते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। हम गर्म पानी से नहा लेते हैं या पैरों में मसाज कर लेते हैं तो हम उस क्रैम्प से हमें रिलीफ भी हो जाता है। कैन यू गेस वाई इट इज सो, क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, इससे क्या होता है, हॉट वाटर बाथ करते हैं, मसाज करते हैं, तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस, जिससे जो हमारी मसल सेल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की जो कमी आ गई थी वो अब क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, मीन सप्लाई ऑक्सीजन की बढ़ने लग जाती है, उस कमी को वो कमी जो है वो पूरी होने लग जाती है, ऑक्सीजन की कमी। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और फिर क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड जो बना था वो वापस पूरा कंप्लीट उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाते हैं। ओके, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी से एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ओके, समझ में आया ये चैप्टर। इसमें देखिए कुछ नहीं है, केवल एक तो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन क्या होता है, और एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, तीन इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपकी आई है, तो इनको ऐसे एज अ नोट आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना, तीनों की डेफिनेशंस, इनकी जो ये इक्वेशंस है ना इनको अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि इसी से आपको पूरा प्रोसेस है वो इजिली समझ में आ जाएगा। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक है इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो अभी तक ये जो चैप्टर पढ़ा है इसको अच्छे से रीड कर लो, डेफिनेशंस को लर्न कर लो, समझ लो, फिर
Okay, so we will meet in the next video. So till then, goodbye and take care.